गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विक्रम फ्रॉम विक्रम विजय सर कॉमर्स क्लासेस। हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था जो है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। हम अपनी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, एट्थ एंड नाइन्थ। उससे पहले कि मैं अपनी क्लास स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे चैनल को कॉन्टिन्यूसली सब्सक्राइब कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। और मैं उन लोगों को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा जो पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, चैनल के साथ क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ क्लास शेयर इनको भी शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। हमारी आज की क्लास के टॉपिक रहेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, एट्थ एंड नाइन्थ। चलिए, हमने इससे पहले कि जैसे बताया आपको कि इश्यू ऑफ शेयर्स के टॉपिक में से हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमारे हैं बेसिकली किसके ऊपर, फॉरफीचर एंड री इशू के ऊपर। और इसमें से अब तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन फिफ्थ और क्वेश्चन सिक्स। आज की हमारी क्लास रहेगी क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, एट्थ एंड नाइन्थ के बारे में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन्थ क्या कहता है। जेड लिमिटेड forfeited 600 shares of rupees 10 each. Zed Limited ने कितने share forfeit किए हैं बेटा यहाँ पर? 600, कितने रुपए का एक है? 10 रुपए का एक है। On which first call of rupees 3 per share not received. कितने रुपए हमें नहीं मिले? हमें यहाँ पर नहीं मिले 3 रुपए नहीं मिले, वो भी किस पर? फर्स्ट कॉल पर नहीं मिले, ठीक है। On second and final call rupees 2 per share has not yet been called. देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था या तो क्वेश्चन में गिवन होता है आपको कि कोल्ड अप अमाउंट कितनी है या हमें कैलकुलेट करनी होती है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो शेयर देखिए यहाँ पर कितने रुपए का है, 10 रुपए का है, जिसमें से 3 रुपए हमें मिले नहीं है। टोटल मिलने चाहिए थे 7 रुपए, लेकिन 7 रुपए में से भी अगर देखा जाए तो 2 रुपए फाइनल कॉल के लिए मांगे नहीं है, तो हमारे पास बच गए 5 रुपए जो कि हमें बेसिकली मिले हैं। तो यहाँ पर कोल्ड अप अमाउंट की बात की जाए तो वो कितनी बनेगी कि 10 रुपए का आपका शेयर था और 10 रुपए के शेयर में से जो पैसा आपने नहीं मांगा वो आप पहले माइनस कर दीजिए, जो नहीं मांगा वो है 2 रुपए, तो बचे कितने? 8 रुपए। तो इसका मतलब कोल्ड अप अमाउंट तो 8 है जिसमें से 3 आपको मिले नहीं, तो कितने आपको मिले? 5 रुपए आपको मिले। तो जो पैसा आपको मिलता है वो आप ट्रांसफर कर देते हो किसमें? शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर। वो पैसा आपका ट्रांसफर हो जाता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर। जो नहीं मिलता स्पष्ट लिखा है वो उस कॉल में चला जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट कॉल का पैसा आपको नहीं मिला, तो ये फर्स्ट कॉल पर आपको पैसा हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे जो नहीं मिला। और जो टोटल 8 रुपए है दैट विल बी डेबिटेड विद नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, तो ये डेबिट हो जाएगा किसके अंदर? शेयर कैपिटल के अंदर। आइए हम इसकी एंट्रीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली एंट्री है हमारी कि जब भी हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे तो डेबिट करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू में कोल्ड अप अमाउंट से। कोल्ड अप अमाउंट हमने चेक की यहाँ पर 8 रुपए बनती है, ये 10 का शेयर है हमारा और 2 रुपए हमने अब तक मांगे नहीं है। होप सो आपको ये बात समझ में आ रही है। जो पैसा आपको नहीं मिला वो नहीं मिला किसका? फर्स्ट कॉल का। तो आप फर्स्ट कॉल को यहाँ पर क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए से क्रेडिट कर देंगे? जितने रुपए आपने उसके ऊपर नहीं लिए, नहीं मिले, जिसके ऊपर आपको 600 गुना में आपको 3 रुपए यहाँ पर नहीं मिले हैं, 600 गुना 3। जो पैसा आपको मिल गया है, जो पैसा आपको मिल गया है उसको लिख देंगे किसमें? शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर। तो 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। 600 शेयर के ऊपर कितने रुपए आपको मिल गए हैं? 5 रुपए आपको मिल गए हैं, तो 5 से आप यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए। दिस वन विल कॉल योर फॉरफीचर एंट्री। नरेशन आप लिख देंगे 600 शेयर फॉरफीटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज 3 ऑन विच कॉल्ड अप मनी इज रुपीज 8, राइट? चलिए सेकंड एंट्री पर बात करते हैं। सेकंड एंट्री के बारे में अगर देखा जाए तो देखिए कितने शेयर हमने रीशू किए हैं? 200। फॉरफिटेड कितने थे? 600, तो रीशू 200 हैं और जिनके ऊपर हमने क्या किया है? एज रुपीज 8 पेड अप, 8 रुपए का मानते हुए, कितने रुपए में? 4 रुपीज 7 पर शेयर, 7 रुपए में हमने इसको क्या कर दिया? रीशू कर दिया। देखिए एज और फोर के कंसेप्ट को आप क्लियर कर लीजिए। एज का मतलब होगा कि इतने रुपए का मानते हुए और फोर का मतलब होगा इतने रुपए में रीइशू कर दिया। तो जनरल एंट्री आपने पास करनी है। आइए देखते हैं इसकी जनरल एंट्री। जनरल एंट्री क्या रहेगी रीइशू की? देखिए रीइशू की जनरल एंट्री में सीधा सीधा हम क्या डेबिट कर देंगे? बैंक अकाउंट
डेबिट करके चलेंगे तो बैंक अकाउंट को आप यहाँ डेबिट कर दीजिए। कितने रुपए से डेबिट करेंगे? जितने शेयर आप रीशू कर रहे हैं, रीशू कर रहे हैं 200 शेयर। कितने रुपए आपने पर शेयर में रीशू किया है? पर शेयर में आपने रीशू किया है 7 रुपये में, तो ये 7 से क्रेडिट डेबिट हो जाएगा हमारा। और जो बाकी का 1 रुपये का लॉस हुआ वो चला जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के अंदर। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट आप यहाँ पर क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितने शेयर पर? 200 शेयर जो रीशू हुए हैं। कितने रुपये पर शेयर के हिसाब से? 1 रुपया पर शेयर के हिसाब से, क्योंकि 8 रुपये का मानते हुए आप 7 रुपये में रीशू कर रहे हैं। टू साथ में लिख कर चलेंगे, ये सारा पैसा हमारा किसका है? शेयर कैपिटल का। 200 शेयर पर 8 रुपये के हिसाब से हमारी क्या हो जाएगी? कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। होप्सो आपको एक दूसरी एंट्री समझ में आएगी। नरेशन आप क्या दे देंगे? 200 शेयर रीशूड 4 रुपीज 7 पर शेयर एज कॉल्ड अप मनी ₹8 पर शेयर। तो 1 रुपये का लॉस आप डेबिट करके चलेंगे। चलिए नेक्स्ट थर्ड एंट्री पर चलते हैं। थर्ड एंट्री हमारी क्या है कि भाई हमें पता है जब भी आप शेयर फॉरफिट करके री इशू करते हैं तो आपका कुछ पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, और उतने शेयर्स का पैसा आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं जितने शेयर आप री इशू कर रहे होते हैं। तो कैपिटल रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर होगा उसकी अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड इनटू में प्रॉफिट पर शेयर, जो कि हमें यहाँ पर हो रहा है 5 रुपये का। लॉस पर शेयर माइनस कर देंगे जो कि रुपया 1 है। कैसे 1 है? यहाँ देखिएगा सिर्फ और से डेबिट कितने से, और यहाँ देखिएगा सिर्फ और से क्रेडिट कितने से। क्रेडिट 5 रुपये प्रॉफिट के हैं, डेबिट 1 रुपया लॉस का है। तो 200 शेयर पर 4 के हिसाब से हमारे 800 रुपये किस में ट्रांसफर हो जाएंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। नरेशन हो जाएगी शेयर फॉर फ्यूचर बैलेंस ऑन 200 शेयर आफ्टर कंपनसेटिंग द लॉस ऑन रीइशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा रवि लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपये का शेयर जिस पर, जो कि 800 शेयर हम फॉरफिट करना चाहते हैं, लेकिन 750 ही पेड अप है। इसका मतलब हमने मांगे ही 750 होंगे, तो पेड अप भी कितने होंगे? 750 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा हमने गलत कर लिया। कॉल्ड अप और पेड अप में डिफरेंस करते हैं। देखिए, कॉल्ड अप और पेड अप की जब बात की जाती है तो कॉल्ड अप तो होते हैं जो हमने मांगे, कॉल्ड अप तो होते हैं जो हमने मांगे, और पेड अप होते हैं जो लोगों ने दिए, जो लोगों ने दिए। अब 10 रुपये के शेयर में से यदि पेड अप हमारे पास 750 है, तो इसका मतलब 7 रुपये 50 पैसे लोगों ने पेड किए हैं। ठीक है, 7 रुपये 50 पैसे लोगों ने क्या किए हैं? पेड किए हैं। और शेयर कितने रुपए का एक है? 10 रुपये का एक है। अब अगर हमें इन्फॉर्मेशन में गिवन है कि फाइनल कॉल उसने 2.5 रुपये की पेड नहीं की, तो इसका सीधा सा मतलब है कि शेयर कोल्ड अप कितने रुपए हो जाएंगे हमारे? 10 रुपये, जिसमें 7 रुपये 50 पैसे लोगों ने पेड किए हैं, तो 2 रुपये 50 पैसे हमें नहीं मिले हैं, जो कि हमारा बेसिकली कॉल इन एरियर है ऑन फाइनल कॉल। तो कोल्ड अप अमाउंट तो कितनी हुई यहाँ पर? 10 रुपये हुई। चलिए, कोल्ड अप अमाउंट 10 रुपये है, तो हमारी पहली एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी कितने रुपए से? 800 × 10 के साथ। और जो पैसा हमें नहीं मिला वो फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का है, 800 × ₹2.50 वो आप डाल देंगे इसमें शेयर फाइनल कॉल के अंदर। और जो पैसा आपको मिला है वो पैसा आप किसमें लिख देंगे? वो पैसा आप लिख देंगे शेयर फॉर फ्यूचर में। कितने रुपये मिले हैं? 7 रुपये 50 पैसे। तो ये 7 रुपये 50 पैसे आपके यहाँ पर अमाउंट इस तरीके से रिसीव हो जाएगी। तो ये एंट्री हमने क्या की होगी? ये एंट्री हमने पास की होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, सॉरी टू शेयर फाइनल कॉल, और जो पैसा मिल गया वो टू शेयर फॉरफीचर। होप सो आपको ये पहली एंट्री समझ में आई होगी कैसे की है। आइए चलते हैं नेक्स्ट किसमें, कि रीशू के बारे में क्या लिखा है। आउट ऑफ दीज, इसका मतलब 800 में से 600 शेयर हम क्या कर रहे हैं? रीशू कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? एज फुली पेड अप मानते हैं, क्योंकि फुली पेड अप फुली कॉल्ड अप थे ही। इन सच ए वे दैट 2100 रुपये वर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, यानी 2100 रुपये हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। इस तरीके से हम शेयर को री इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये हो गई हमारे लिए कि हमें थर्ड एंट्री स्पष्ट तौर पे यहाँ गिवन कर दी, जिसको कि हम लिखते हैं कैसे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो टू कैपिटल रिजर्व की हमें एंट्री यहाँ पहले ही गिवन कर दी, तो आप उस एंट्री को यहाँ लिख लीजिए 2100 रुपये। उसके बाद हम बात करेंगे कि कितने रुपए का शेयर हमने यहाँ पर इशू
होगा, राइट। ये तीसरी एंट्री, पहली एंट्री उन्होंने गिवन कर दी, पहली एंट्री हमने कर ली, दूसरी एंट्री उन्होंने गिवन कर दी, तीसरी एंट्री हमारी बची री इशू की। अब देखते हैं री इशू की एंट्री पे हमारा क्या होता है। री इशू की एंट्री पर जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस क्लास के लिंक को शेयर करें। अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप हमारे से जो रेगुलर क्लासेज हैं वो लेते रहें। चलिए हम बात कर रहे थे सेकेंड एंट्री के बारे में। देखिए उन्होंने क्या कहा है कि 600 शेयर इशू कर दिए इस तरीके से कि 2100 रुपये हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। अब सबसे पहले बात करते हैं कि 600 शेयर पर नेट प्रॉफिट हमें कितने रुपए हुआ था। देखिए 600 शेयर पर अगर बात की जाए तो 7.5 रुपये के हिसाब से हमारे पास प्रॉफिट आया था, तो 7.5 के हिसाब से इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें ये पता लग जाए कितने रुपए एक्चुअल में इस पे प्रॉफिट के हमारे ट्रांसफर होने चाहिए थे कैपिटल रिजर्व में, अगर हम शेयर को रीइशू कर देते हैं फुली पेड अप मानते हुए, राइट। तो ये हो गया हमारा कितने रुपए, 7.42 और 3 4500 रुपए। तो इसका मतलब 4500 रुपए हमारे पास प्रॉफिट पड़ा था 600 शेयर का कैपिटल शेयर फॉरफीचर के अंदर, जिसमें से आपने ट्रांसफर कर दिए हैं कैपिटल रिजर्व के अंदर कितने रुपए। कैपिटल रिजर्व में आपने ट्रांसफर कर दिए हैं 2100 रुपए। ये हमें गिवन है, ये इन्फॉर्मेशन हमें क्या थी, गिवन इन्फॉर्मेशन थी। तो टोटल हमारे पास कितना पैसा बचा जो कि हमें लॉस के तौर पे उठाना पड़ा री इशू के वक्त, तो 2400 रुपए हमारा लॉस हुआ। किस पर, लॉस ऑन री इशू, लॉस ऑन री इशू आपका हुआ 2400 रुपए का। तो देखिए अगर 2400 रुपए का लॉस हुआ और हम फुली पेड पर मानते हुए शेयर इशू कर रहे हैं, तो 600 शेयर पर हमारी कैपिटल जो है वो डेबिट होने वाली है कितने रुपए से, 10 रुपए के साथ। इसका मतलब 6000 रुपये हमारे कैपिटल में तो सॉरी क्रेडिट हो जाएंगे, नॉट डेबिट, क्रेडिट हो जाएंगे 6000 रुपये के साथ। और इसमें से जो हम लॉस उठा रहे हैं री इशू करते हुए, तो उठा रहे हैं 2400 रुपये का, तो 2400 आप यहाँ पर माइनस कर देंगे तो आपके पास अमाउंट बच जाएगी कितनी, 3600 रुपये। 3600 रुपये है, इसका मतलब ये 3600 रुपये में आपने शेयर को क्या किया है, री इशू किया। अगर हम पर शेयर देखें तो 600 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 600 से डिवाइड करने पर हमें पता लगता है कि 6 रुपये का आपने एक शेयर री इशू किया है 10 रुपये में मानते हुए। तो अब हमारी एंट्री हमारे पास बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट हम लिख देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट में हमारे पास कितने रुपये आ जाएंगे, जो शेयर आपने री इशू किया है वो है 600, और कितने रुपए का हमने कैलकुलेट किया री इशू किया 6 रुपए का, तो 3600 रुपए हमारे यहाँ पर सीधे सीधे डेबिट हो जाएंगे जो पैसा हमें मिला है। अब लॉस हमें कितना हुआ है वो हम यहाँ लिख लेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट के तौर पे, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने रुपए का लॉस हमारे पास आया है, 2400 रुपए का लॉस आया है। अगर पर शेयर आप चेक करेंगे तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं, 10 का शेयर था, 6 रुपये में आप रीशू कर रहे हैं, तो 4 रुपये का आपको लॉस पर शेयर हुआ है। ये हम यहाँ पर लिख देंगे 2, हम लिख देंगे शेयर कैपिटल, क्योंकि 10 का मानते हुए रीशू किया है, तो 600 शेयर के ऊपर पर शेयर कितने रुपए हैं, 10 रुपये हैं, कोल्ड अप और फुली पेड अप 10 से आप इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 6000 रुपये आपके यहाँ पर इस तरीके से लिखे जाएंगे। तो इसकी एंट्री आप क्या कर देंगे रीशू की, 600 शेयर्स वर री इशूड एज रुपीज 6 पर शेयर, फुली कोल्ड अप रुपीज 10 एंड 4 रुपीज वी हैव बियर द लॉस आउट ऑफ द शेयर फॉर फ्यूचर बैलेंस, राइट। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 8 की जनरल एंट्रीज हमारे सामने हो जाएंगी। ये जो पोर्शन है हम अपना वर्किंग नोट में शो करेंगे, इसको आप वर्किंग नोट में दिखाएंगे कर, तो ये आप इस तरीके से क्वेश्चन शो करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 9th पर। क्वेश्चन नंबर 9th क्योंकि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9th है कुछ इस तरीके से, एक्स लिमिटेड ने कितने शेयर फॉरफिट किए, 800 शेयर फॉरफिट किए, कितने रुपए का एक है, 10 रुपए का एक है, 7.5 रुपए कोल्ड अप है, 7.5 रुपए देखिए क्या है, कोल्ड अप है, इसका मतलब नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल रुपीज हमारी 2.5 रुपए के साथ हम ये कह सकते हैं कि ये कोल्ड अप है, तो नहीं जो मांगे हमने वो कितने नहीं मांगे, 2.5 रुपए नहीं मांगे। अब यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, पहले वाले क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमें पेड अप अमाउंट गिवन था, पहले वाले क्वेश्चन में क्या गिवन था, पेड अप अमाउंट गिवन था, और हमें पेड अप अगर 7.5 दे दिए तो बाकी बचे हुए 2.5 रुपए उन्होंने बताया था फाइनल गोल पर पेड नहीं हुए थे, यहाँ पर लेकिन उन्होंने क्या कह दिया, 7.5 रुपए कोल्ड अप है, तो
ये कोल्ड अप और पेड अप में यही डिफरेंस होता है। 10 रुपए का शेयर है, अब कोल्ड अप कितने हैं, 7.5 रुपए। इसका मतलब हमारी जो शेयर कैपिटल डेबिट होगी वो, क्योंकि वो कोल्ड अप से होती है, तो 7.5 से ही होने वाली है। इंटू 800, 2.50 रुपए हमने अब तक मांगे ही नहीं है। मांगे नहीं है तो इसका हमें कुछ नहीं करना, इसको साइड में रख देंगे। नोट कोल्ड अप है तो हम बात कर रहे हैं कोल्ड अप अमाउंट के बारे में। तो हमारी यहाँ एंट्री हो जाएगी 800 शेयर के ऊपर शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए के साथ, 800 शेयर के साथ। और कितने रुपए आ जाएंगे पर शेयर में, 7.5 रुपए, क्योंकि कोल्ड अप अमाउंट 7.5 रुपए है हमारी, राइट। चलिए अब बात करते हैं कि आपको क्या नहीं मिला। नहीं मिला ये कह रहा है, फर्स्ट कॉल नहीं मिली। तो फर्स्ट कॉल नहीं मिली तो आप फर्स्ट कॉल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए के साथ क्रेडिट कर देंगे, फर्स्ट कॉल अमाउंट 800 शेयर पर। 800 शेयर पर आपको नहीं मिले हैं, कितने रुपए नहीं मिले हैं, 250, 2.50 रुपए आपको नहीं मिले हैं। तो 2.50 रुपए से आपको क्रेडिट करके चलिएगा। चलिए जो पैसा आपको मिला वो कितना मिला होगा, वो हमारा चला जाएगा शेयर फॉरफीचर के अंदर 800 शेयर पर, क्योंकि 7.5 हमने मांग रखे हैं, 2.5 रुपये हमें मिले नहीं हैं। तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा देंगे कितने रुपए से, 5 रुपए के साथ। तो ये 5 रुपए का हमारी अमाउंट आ जाएगी। आई होप आपको ये पहली एंट्री समझ में आई होगी। नरेशन आप दे देंगे 800 शेयर फॉरफीटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड कॉल्ड मनी इज ₹750, राइट। चलिए सेकेंड एंट्री देखते हैं रीशू की। और रीशू की सेकेंड एंट्री के लिए हम आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आउट ऑफ दी 600 शेयर वर रीइशूड फॉर ₹6 पर शेयर एज ₹750 पेड अप, राइट। अब देखिए 4 6 रुपए पर शेयर, यानी 6 रुपए में हमने रीशू किया, कितने रुपए का मानते हुए, एज 750 मानते हुए। तो 750 का मानते हुए 6 रुपए में इशू करेंगे तो आपको 1.5 रुपए का क्या हो रहा है यहाँ पर, लॉस। तो आप एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट के साथ। बैंक में हमारा अमाउंट आ जाएगा कितने रुपए का, कितने शेयर आपने रिशू किए हैं, 600 शेयर रिशू किए हैं, कितने रुपए के हिसाब से, 6 रुपए के हिसाब से। और बाकी बचा हुआ हमारा शेयर फॉर फ्यूचर का लॉस है, तो शेयर फॉर फ्यूचर के लॉस को हम डेबिट करके चलेंगे यहाँ पर। 600 शेयर के ऊपर कितने रुपए का लॉस है, 600 शेयर के ऊपर हमें 56 नजर आ रहा है, 7.5 का शेयर मानते हुए 6 में इशू किया है, तो 1.5 रुपए का हमारे को क्या है, प्योर लॉस हो रहा है यहाँ पर। और लिख देंगे बाकी सारा पैसा उठाकर 2 शेयर कैपिटल में, क्योंकि जब शेयर इशू किए जाते हैं तो कैपिटल क्या की जाती है, क्रेडिट की जाती है। कितने रुपए के साथ, जितने रुपए हमने उसको पेड अप मानते हुए रीइशू किया है, राइट। ये हमारे 7.5 रुपए आ जाएंगे। और नरेशन हम क्या दे देंगे, 600 शेयर वर रीइशूड एट ₹6 पर शेयर, राइट, 750 पेड अप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं एंट्री नंबर थर्ड पर। एंट्री नंबर थर्ड हमारी सीधी सीधी सी होती है, वो होती है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को आप डेबिट कर दीजिए, टू कैपिटल रिजर्व, जो पैसा बचेगा इनके ऊपर वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फॉर्मूला आपको मैंने बताया है क्या है, 600 शेयर के ऊपर आप क्या करते हैं, प्रॉफिट पर शेयर चेक करते हैं। प्रॉफिट पर शेयर आपको कितना हुआ था, 5 रुपये हुआ था, तो 5 रुपये आप यहाँ लिख लीजिए, माइनस कर दीजिए उसमें से शेयर फॉर फ्यूचर पर लॉस 1.50 रुपये का, 1.50 रुपये का लॉस आप यहाँ पर माइनस करके चलिए। हमारे पास अमाउंट कितनी बच जाएगी, 600 शेयर के ऊपर अगर हम देखें तो 3.5 रुपये का आपको पर शेयर क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। 3.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से आप इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, अमाउंट आ जाएगी आपके पास 600 × 1800 प्लस 3 2100 रुपये की अमाउंट आ जाएगी, जो कि आप ट्रांसफर करने जा रहे थे कैपिटल रिजर्व में। ये हमने इस तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट किया। आई होप आपको आज के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 समझ में आए होंगे। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 12th। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपको क्लासेज अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल विक्रम विजय सर कॉमर्स क्लासेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जितना ज़्यादा आप इस लिंक को शेयर कर सकते हैं क्लास के, उतना ज़्यादा शेयर करिए ताकि बाकी बच्चे भी हमारे क्लासेज का बेनिफिट उठा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो है नोट्स अवेलेबल होंगे, और ये जो PDF है मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा ताकि आप इन क्वेश्चन को दोबारा से रिकैप कर सकें और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकें।